रांची के बाजरा में गुमला के एक युवक की संदेहास्पद मौत, बस की छत से लटकती मिली लाश। हत्या या आत्महत्या, पुलिस इसकी गुत्थी सुलझाने में जुटी। गैराज मालिक से आग्रह कर रुका था रात में, रांची आया था दोबारा काम की तलाश में। रांची के बाजरा में गुमला के एक युवक की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक की पहचान गुमला जिले रायडी थाना क्षेत्र के कमटे करंस्टोली निवासी एरुस खाल को तिरुपति के रूप में हुई है। शुक्रवार को वो यहां गैराज में काम मांगने आया था। सुबह उसी गैराज के पास बस की छत से लटकती हुई उसकी लाश मिली है। ये हत्या है या आत्महत्या, पुलिस इसकी गुत्थी सुलझाने में उलझी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद 15 ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एरुस खाल को गैराज में गार्ड की नौकरी करता था। लॉकडाउन में काम छोड़कर वो अपने गांव चला गया था। शुक्रवार को वो गैराज में दोबारा काम तलाशने आया था, लेकिन गैराज मालिक ने गार्ड के रूप में किसी और व्यक्ति को काम दे दिया था। इसके कारण उसे काम नहीं मिल सका। गैराज मालिक से उसने रात में रुकने का आग्रह किया था। मालिक ने उसके रहने का भी बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन शनिवार सुबह लोगों ने बस के अंदर उसका शव लटकता देखा। आसपास के लोगों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। बस की छत की ऊंचाई देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई उससे लटक कर आत्महत्या कर सकता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।